नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन स्पोर्ट। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 90 से 500 वोल्ट की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर डाटा, उसके कनेक्शन, सभी कुछ ए टू जेड हम बताएंगे। हाँ, पिछले एक सीरीज मैंने बताई थी 140 से 440, उसमें कुछ न कुछ हल्की सी प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे वो डाटा बिल्कुल सही थी, लेकिन हमारी मिस्टेक से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, आप लोगों का कमेंट भी आया, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी हम आपको 90 से 500 वोल्ट की ट्रांसफार्मर के डाटा के सीरीज हम बना रहे हैं, उसमें ये अगली कड़ी है 5 KV के बाद 6 KV वाली, और इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा 6 KV का डाटा और उसके कनेक्शन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाटा मौजूद है। ये डाटा आपको 8 नंबर कोर का प्रयोग होगा, इसमें आप 92 या कोई भी कोर प्रयुक्त कर सकते हैं, और इसकी बॉबिन साइज है 8 नंबर 3 इंच। तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि इससे पहले 5 KV की मैंने जो डाटा बताई थी उसमें भी यही कोर एरिया था। हाँ दोस्तों, कोर एरिया वही है, क्योंकि जो 5 KV है वो हमने इस कोर में इसलिए बनाई थी क्योंकि 5 KV के लिए जिस तार का प्रयोग किया गया है वो 7 नंबर में नहीं आएगी। तो चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर जो प्राइमरी है वो 14 नंबर का प्रयोग किया है, जबकि सेकेंडरी में आपको 13 नंबर का प्रयोग करना है। गेज आप देख सकते हैं कि गेज अलग है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं टर्निंग सेम टू सेम रहेगी क्योंकि कोर एरिया सेम टू सेम है। तो 165 टन 0 के बाद 165 टन पे इसकी पहली लूप निकलेगी प्राइमरी की, उसके बाद 240, उसके बाद 289, उसके बाद 349, और लास्ट में 568 टन 500 वोल्ट की निकलेगी, जबकि इसमें आप 24 वोल्ट के लिए 27 टन का प्रयोग कर सकते हैं 23 नंबर वायर से। जबकि इसके कनेक्शन आप देखेंगे तो मेरी जितने भी वीडियो है लगभग सेम टू सेम ही कनेक्शन होती है। हाँ दोस्तों, इसमें आपको प्रयोग करना है मैनुअल किट का, जबकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे उसमें आपको प्रयोग करना था डिजिटल किट का। अब इसमें आप इसको RL5 मानते हैं, इसको RL1 मानते हैं, तो RL1 जो है आपकी इनपुट है उसकी कॉमन, जबकि उसके एनो पर 500 वोल्ट वाली टिपिंग ये रेड वाली लगी हुई है, जबकि उसकी NC को RL2 की कॉमन में जोड़ दी गई है, जबकि RL2 की एनो को 200 वोल्ट वाली जो टिपिंग है उससे शॉर्ट कर दी गई है, और उसके बाद उसकी NC यानी RL2 की NC को RL3 की कॉमन में, और RL3 की जो NC है उसको 90 वोल्ट वाले टेपिंग और उसके बाद वाले टेपिंग को उसकी इनो में जोड़ दी गई है, जबकि RL4 जो है उसके कॉमन को RL5 की कॉमन में जोड़ दी गई है, और RL4 की NC को 200 वोल्ट वाले टेपिंग और उसकी इनो को उसके बाद वाले टेपिंग पर जोड़ दी गई है, जबकि RL5 की NC को खाली छोड़ दिया गया है, जबकि इनो से आउटपुट ले ली गई है। अब इसकी ट्यूनिंग इस प्रकार होगी, पहले RL5 ऑन होगी, उसके बाद 4 ऑन होगी, उसके बाद 3 ऑन होगी, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आपके इसकी ट्यूनिंग करनी है। इसमें आप मैनुअल किट का प्रयोग कीजिएगा, जिसमें 909 या फिर जो भी ट्रिगर ट्रांसफार्मर अलग से लगती है वो, और ये सप्लाई का उपयोग होगा। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, इसके प्रैक्टिकल वीडियो, तो आपने थ्योरिकल वीडियो पहले देख ली है, क्योंकि उसमें मैं थ्योरी नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो देखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।